दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है और बहुत ही जल्द भारत को अपना नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। राष्ट्रपति पद के लिए इंडिया की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम घोषित किया गया है और यूनाइटेड ओपोजिशन की तरफ से यशवंत सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी ये इलेक्शन जीत जाती है तो भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति बनेगी जिनकी उम्र आज़ादी से कम होगी, यानी आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है। इसी के साथ वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन जाएगी और वो पहली आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति भी बन जाएगी। चलिए जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी अपने विनम्र स्वभाव के लिए जानी जाती है। वो हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करती है और बहुत ही संयम से अपने जीवन की परिस्थितियों को भी संभालती है। उनके परिवार की स्थिति साधारण थी और उन्होंने बचपन से ही परिश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1979 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भुवनेश्वर के रमादेवी कॉलेज से पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सिंचाई विभाग में क्लर्क के पोस्ट पे काम किया। ये उनकी जिंदगी की पहली नौकरी थी। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी बदली और वो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब पर लग गई। और फिर उनके जीवन में वो मोड़ आया जहाँ से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। साल 1997 में वो मयूरभंज के रंगरायपुर से वार्ड पार्षद चुनी गई और वो राजनीति में सक्रिय हो गई। उसके बाद साल 2000 में वो विधानसभा चुनाव जीत के एमएलए भी बन गई और उड़ीसा की राज्य मंत्री भी बन गई। वो अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ ही रही थी कि द्रौपदी मुर्मू जी के साथ 2009 में बहुत ही दुखद घटना हुई। उन्होंने अपने 25 साल के बेटे को खो दिया और वो डिप्रेशन में चली गई। इस घटना के असर से बाहर आने के लिए उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना और वो ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। वहाँ उन्हें मनोबल मिला और वो अपने ज़िंदगी में फिर से काम करने लगे। पर फिर एक और दुखद घटना हुई और वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं से वो संभल ही रही थी कि कुछ दिनों बाद उनके माँ की भी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने अपने भाई को भी खो दिया। मतलब सिर्फ एक ही महीने ने उन्होंने अपने बेटे, माँ और भाई को भी खो दिया। इन सब दुखों से अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि अगले साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। पर आध्यात्म और योग साधना से उन्होंने सारे दुखों को पीछे छोड़ दिया और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। पर अंधेरे के बाद सवेरा होता ही है और वो सवेरा उनके ज़िंदगी में आया वर्ष 2015 में, जब उन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल होने का सम्मान मिला। उसी साल वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी मिलने गई थी। तब उन्हें लगा भी नहीं होगा कि वो खुद एक दिन भारत की राष्ट्रपति बन जाएगी और उन्हें भारत के प्रथम नागरिक होने का मान मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू जी जितने सरल स्वभाव की है उतनी ही न्यायप्रिय और उनके कर्तव्य के प्रति ईमानदार राज्यपाल थी और ईमानदार इंसान है। इसका एक उदाहरण ये है कि जब वो झारखंड की राज्यपाल थी तब वहाँ बीजेपी की सरकार थी और रघुबर दास जी सीएम थे। तब उन्होंने सीएनटी और एसपीटी एक्ट में कुछ ऐसे बदलाव किए थे जिससे आदिवासियों की जमीन खतरे में आ गई थी। ये कानून बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के पास हस्ताक्षर के लिए आए तो उन्होंने इस कानूनों को साफ विरोध किया और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसके बाद उन पर दिल्ली से भी दबाव लाया गया लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रही। फिर एक बार जब झारखंड में
हेमंत सोरेन की सरकार थी तब ऐसा ही एक कानून उनके सामने हस्ताक्षर, पर उस पर भी उन्होंने विरोध जताया। वो एक ऐसी राज्यपाल थी जो लोकहित में अपने फैसले लेती थी और हमेशा गरीब पिछड़े लोगों का साथ देती थी। सरकार के दावों में आके उन्होंने अपने आप का कभी इस्तेमाल नहीं होने दिया। उन्होंने स्वतंत्र निर्णय लिए और शायद इन्हीं अच्छे कर्मों का फल है आज उन्हें देश के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है और उनके जीतने की भी पूरी संभावना है। हमें भरोसा है कि वो अपने राष्ट्रपति पद का और सम्मान बढ़ाएगी और देश की सेवा करेगी। आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।